हेलो दोस्तों, हमारे सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईएस कोड के मोड ऑफ मेजरमेंट आईएस 1200 के पार्ट 9 के बारे में। ठीक है ना, पार्ट 9 जो है ये डिपेंड है रूफ कवरिंग इंक्लूडिंग क्लैडिंग पर। ठीक है, रूफ कवरिंग के बारे में कैसे हम मेज़रमेंट करते हैं, मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है। ठीक है, जब हम बिलिंग करते हैं तो किस तरह से हमें नापना चाहिए, क्या डिडक्शन करना चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए, तो वो सब चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे पार्ट 9 के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मेज़रमेंट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड हेयर इन आफ्टर ऑल वर्क्स शैल बी मेजर नेट इन डेसिमल सिस्टम एज फिक्स इन इट्स प्लेस एज गिवन इन 2.4.1 एंड 2.4.2। तो देखिए, अगर हम डायमेंशन नापेंगे, ठीक है ना, मेजरमेंट करते टाइम उसका डायमेंशन नापेंगे यानी लेंथ विड्थ या डेप्थ नापेंगे, तो पॉइंट के बाद दो डेसिमल लेके हम नापेंगे। ठीक है ना, मीटर में। अगर हम एरिया नापेंगे तो एरिया के बाद पॉइंट के बाद दो डेसिमल ही इंक्लूड करेंगे, उसके बाद हम इसको एरिया को नाप लेंगे। रूफ कवरिंग वाला जब हम क्वांटिटी एस्टिमेट करें या बिल ऑफ क्वांटिटीज बनाएं, तो पॉइंट के बाद में दो डेसिमल में हम उसको लेंगे, तीन में नहीं लेंगे, चार में लेंगे, दो में लेंगे। ठीक है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड है जब हम बिल ऑफ क्वांटिटीज बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क एग्जीक्यूटिव इन द स्नो शैल बी सेपरेट मेजर्ड सेपरेटली। अगर हम स्नो यानी बर्फ में, बर्फीले एरिया में अगर हम काम कर रहे हैं, तो उस वर्क को हम सेपरेटली मेजर नापेंगे, सेपरेट आइटम बनाएंगे बीओक्यू के अंदर में। ठीक है, देखिए, अगर हम सुपरफिशियल एरिया, अगर रूफ का हम एरिया अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको हम स्क्वायर मीटर में नापेंगे। ठीक है, उसके बाद में एनी ओपनिंग नॉट एक्सीडिंग 0.4 मीटर स्क्वायर। अगर कोई भी ओपनिंग जो एक्सीड नहीं कर रही है 0.4 मीटर स्क्वायर से, तो शेल नॉट बी डिटेक्ट, उसको हम डिडक्शन नहीं करेंगे। जब हम बिल बनाएंगे या मेजरमेंट करेंगे, तो अगर ओपनिंग 0.4 से ऊपर नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, तो उसको डिडक्ट नहीं करेंगे। फॉर्मिंग सच ओपनिंग रिक्वायर्ड कटिंग शेल बी इन इमीडिएट। ऐसी ओपनिंग को हम जो है डिटेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एनी ओपनिंग पॉइंट नंबर 2.9, एनी ओपनिंग एक्सीडिंग 0.4 मीटर स्क्वायर शैल बी डिटेक्ट एंड कटिंग रिक्वायरमेंट शैल बी मेजर इन रनिंग मीटर। तो अगर कोई भी ओपनिंग है 0.4 से एक्सीड कर जा रही है, तो उसको हम डिटेक्ट कर देंगे। और कहीं भी हम कटिंग कर रहे हैं रूफ कवरिंग में, ठीक है ना, तो उसको हम रनिंग मीटर में नापेंगे, रूफ कवरिंग के आइटम में। ठीक है, नो डिडक्शन नो एडिशन शैल बी मेड फॉर लैप्स कट थ्रू। यानी हम एडिशन नहीं करेंगे, अगर हम लैप्स कट कर रहे हैं तो उसमें हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, शीटिंग कर्व्ड और बैंड टू कर्वेचर शैल बी मेजर सेपरेटली। अगर कोई शीटिंग कर्व में है या बैंड में है, तो उस आइटम को हम सेपरेटली मेजरमेंट करेंगे बीओक्यू के अंदर में। ठीक है, अगर वुड वर्क रूफ शीटिंग रूफ कवरिंग के दौरान में, क्लैडिंग के दौरान में वुड वर्क स्टील वर्क शैल बी मेजर्ड। अगर कोई भी ऐसा आइटम है जो वुड वर्क का है या स्टील वर्क का है, तो बीओक्यू में उसको सेपरेट हम मेजर करेंगे। ठीक है ना, द सिंगल एंड डबल टाइलिंग शैल ईच बी मेजर सेपरेटली। अगर सिंगल डबल टाइलिंग है, उसको हम सेपरेटली मेजर करेंगे। ठीक है, रिज हिप्स वैले शैल बी मेजर इन रनिंग मीटर। इन सबको रनिंग मीटर में मेजर करेंगे। इफ़ सेट इन मोटर इट शैल बी सो स्टेटेड स्पेसिंग द मोटर। जो भी मोटर स्पेसिफाई किया गया है, उसमें हम उसका रनिंग मीटर में मेजरमेंट करेंगे, अलग
बीओक्यू में मेज़र करेंगे हम उसको। रेन वाटर गुड्स गटर एंड पाइप शैल बी डिस्क्राइब एंड मेज़र इन रनिंग मीटर। अगर गटर है पाइप है उसको हम रनिंग मीटर में मेज़र करेंगे। इंक्लूडिंग ऑल शॉर्ट लेंथ कटिंग एंड वेस्टेज द मटेरियल प्रोटेक्टिव कोटिंग इफ एनी द पैटर्न द मेथड ऑफ जॉइनिंग एंड फिक्सिंग शैल बी डिस्क्राइब। द लेंथ शैल बी मेजर अलॉन्ग द सेंट्रल लाइन्स। द लेंथ ऑफ ऑल फिटिंग सच एज बैंड जंक्शन एंगल्स लाइक शैल बी इंक्लूडेड। इन सबको जो है अगर पाइप में पाइप की लेंथ में द लेंथ शैल बी मेजर अलॉन्ग द सेंट्रल लाइन्स द लेंथ ऑफ ऑल फिटिंग सारी फिटिंग्स जैसे बैंड जंक्शन एंगल्स एक्सेट्रा इंक्लूड किए जाएंगे उसी लेंथ में इंक्लूड किए जाएंगे ठीक है ना पाइप की लेंथ में। ब्रैकेट्स फॉर गटर ब्रैकेट्स फॉर गटर शैल बी मेजर सेपरेटली। जो गटर में जो ब्रैकेट्स आते हैं उसको सेपरेटली नापेंगे अंडर द रिलेवेंट पार्ट्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड। एंगल्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल ड्रॉप एंड स्टॉप एंड शैल बी इनम्यूरेट एज एक्स्ट्रा ओवर द लेंथ ऑफ द गटर। यानी एंगल्स उसके अंदर में ड्रॉप्स एंड स्टॉप एंड उनको हम अलग नापेंगे। शैल इंक्लूड एक्स्ट्रा जॉइंट्स एक्स्ट्रा जॉइंट कटिंग एंड वेस्टेज उन सबको जैसे एक्स्ट्रा जॉइंट्स हैं कटिंग्स हैं एक्स्ट्रा है उन सबको अलग करेंगे ठीक है ना। द पाइप रेल्स डिस्टेंस पीस होल्डर बेड शैल बी डिस्क्राइब्स एंड इंक्लूडेड विद द फिक्सिंग ऑफ द पाइप। जो पाइप रेल्स है ठीक है डिस्टेंस पीस है होल्डर्स है बैट्स है होल्डर बैट्स शैल बी डिस्क्राइब उनको सब डिस्क्राइब करना पड़ेगा ठीक है डिस्क्राइब करेंगे ठीक है। बैंड्स हैं ठीक है ना पाइप के अंदर जो हम पाइप उतारते हैं उसमें रूफिंग से बैंड्स एल्बो ऑफसेट शूज ब्रांचेस स्नो नेक्स एंड हेड्स शैल बी इनम्यूरेट एज एक्स्ट्रा ओवर उनको अलग से लेंगे ठीक है ना। लेंथ ऑफ पाइप पाइप की लेंथ से अलग लेंगे शैल इंक्लूड फोर एक्स्ट्रा जॉइंट में उसको इंक्लूड करेंगे कटिंग में वेस्टेज में ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा मोड ऑफ मेजरमेंट पार्ट 9 यहाँ ख़त्म हो गया है। तो ये सारी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने रूफिंग के बारे में आपको बताया क्लैडिंग के बारे में बताया। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं धन्यवाद।